नमस्कार मित्रों, शारदा बाल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे टॉपिक में चल रहा है अभी यूज ऑफ एच आर एम, चैप्टर नंबर 8 है। 8 से पहले हमने के अध्याय पढ़े हैं, उसमें नाउन भी था, प्रोनाउन भी था, एडजेक्टिव भी था, वर्ब भी था। उसके पश्चात हमने कल इसका जो पहला भाग पढ़ा था इज आर एम की जानकारी, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था दिस दैट दीज और दोज, इनके प्रयोग पढ़े थे। उसके बाद में हमने देखा था सिंगुलर एकवचन कर्ता इज, प्लूरल बहुवचन कर्ता आर, और आई के साथ में एम का प्रयोग, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने जो ये सारणी बनाई दीस दीस दैट दोज, ठीक है, और इसके एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, एफर्मेटिव कौन लिखा था सकारात्मक। और उसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव का बना नकारात्मक। और उसके बाद अगला पॉइंट है प्रश्नवाचक, ठीक है, इंट्रोगेटिव। और चौथा आता है इंट्रो नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो इस सारणी की कल हमने जानकारी ली थी, ठीक है ना। आज हमारे सामने है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य, और आपको कल ये भी बताया था नकारात्मक माने क्या, जिसमें नोट लगता है, जिसमें क्या लगता है नोट लगता है। और नोट भी हमेशा कहां पर लगता है, तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर। जैसे इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, शेल नॉट, विल नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, तो इसके साथ में नॉट जुड़ता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट जुड़ता है, और वो भी तीसरे स्थान पर। तो आज हम कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे इसकी जानकारी के लिए। तो कल जैसे हमने अफर्मेटिव की सारणी बनाई थी, उसी प्रकार आपके सामने ये नेगेटिव की सारणी। नेगेटिव माना नकारात्मक। अब इसमें भी आप सारणी में भी देख सकते हैं, सारणी में भी आपको कॉलम तीसरे नंबर पर नोट मिलेगा, एक दो और ये तीन नंबर पर, ये देखिए ये तीसरे नंबर पर नोट। जैसे आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, दे आर नॉट। अब जो कॉम्प्लीमेंट है, जो वाक्य का जो पूर्ण हिस्सा है, जो पीछे का जो भाग है बचा हुआ, वो उसके बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस है आई एम नॉट, नॉट कौन से स्थान पर आ गया, तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर। देख लीजिए कभी हमारे को कोई सेंटेंस बनाते समझ में नहीं आता, तो हमारे को ये देखना है नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉट तीसरे स्थान पर आए। तो आई एम नॉट ए वीक स्टूडेंट, मैं एक कमजोर विद्यार्थी नहीं हूं। तो वीक, एक तो डब्ल्यू ई ए के, एक और होता है डब्ल्यू डबल ई के। इस वीक का मतलब तो होता है सप्ताह, क्या होता है सप्ताह, और इसका मतलब होता है कमजोर। अगला है आई एम नॉट ए पुअर मैन, एम नॉट, ये देखो एम नॉट आ गया, इसमें भी एम नॉट ही था, ठीक है। तो आई एम नॉट ए पुअर मैन, पुअर का मतलब होता है गरीब, और एक पुअर का मतलब कमजोर भी होता है, ठीक है। तो कमजोर जो होता है वो तो पैसे से कमजोर होता है या शरीर से कमजोर होता है, एक पुअर का मतलब होता है गरीबी, जिसके पास में पैसा नहीं होता है,
ठीक है। तो आई एम नॉट ए पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी नहीं हूं। अगला है यू आर नॉट ए वीक स्टूडेंट, यू आर नॉट ए वीक स्टूडेंट, तुम एक कमजोर विद्यार्थी नहीं हो। तो ये आर नॉट आ गया, इसमें एम नॉट आ गया, इसमें भी एम नॉट आ गया, और यू आर नॉट ए पुअर मैन, तुम एक गरीब आदमी नहीं हो। अगला है ही इज नॉट ए वीक स्टूडेंट, ही इज नॉट ए वीक स्टूडेंट, तो ही भी आ गया, इज भी आ गया, नॉट भी आ गया। इज एकवचन करता है, ही पुरुष जाति के लिए आता है, नॉट इस स्थान पर आ गया, ए एकवचन के लिए आ गया, वीक कमजोर के लिए आ गया, स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए आ गया। तो ही इज नॉट ए वीक स्टूडेंट, वह एक कमजोर विद्यार्थी नहीं है। नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस पढ़ रहे तो नहीं तो आएगा। तो देखो इज नोट का भी आ गया, आर नोट का भी आ गया, एम नोट का भी आ गया, तीन प्रयोग हमारे सामने आ गए। अगला है ही इज नॉट ए पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी नहीं है। दे आर नॉट वीक स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर आ गया दे, देखो मतलब दे किसके लिए लगता है, पहले बताया आपको दे लगता है बहुवचन के लिए, किसके लिए लगता है बहुवचन के लिए। तो देखिए दे आर नॉट वीक स्टूडेंट्स, अगर यहां पर दे आ गया तो यहां पर डीएस आ गया, क्योंकि इधर बहुवचन है तो यहां पर भी सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो यहां पर भी ये कॉम्प्लीमेंट में भी ये बहुवचन, यानी स्टूडेंट्स। दे आर नॉट वीक स्टूडेंट्स, वे कमजोर विद्यार्थी नहीं है। अगला देखिए दे आर नॉट पुअर मैन, दे आर नॉट पुअर मैन, अब यहां पर भी सॉरी ये दे आ गया तो यहां पर ई, ये एम ई एन, ठीक है ये हो गया बहुवचन, एम ई एन एन बहुवचन बन जाता है। दे आर नॉट पुअर मैन, वे गरीब आदमी नहीं है, वे गरीब आदमी नहीं है। तो ये सारणी थी आपके नेगेटिव की, ठीक है, जिसमें तीसरे स्थान पर नोट लगा करके हमने नेगेटिव सेंटेंस बना दिए। उसी प्रकार कल जो सारणी थी वो हमने पढ़ी थी एफर्मेटिव की, ठीक है, तो एफर्मेटिव की हो गई और नेगेटिव की हो गई। तो अब अगली बचेगी हमारे इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव की भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये काम अब आपको वापस कॉपी में, ये कल का काम ये था, आज का होमवर्क आपके ये है, ये फिर कार्य आज आपको करना है नेगेटिव सेंटेंस की सारणी बना करके, और ये काम आपको अंग्रेजी की कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।